हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ माया और मेरा आज का ब्लॉग है हाउ आई सेलिब्रेटेड माय सिस्टर्स बर्थडे। सो गाइस, इट वाज माय सिस्टर्स बर्थडे जो था 2 दिन पहले, और मैंने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। मेरे इस बात पे बिलीव है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल हैं, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ सरप्राइजेस करते रहना चाहिए। तो गाइस, मैंने देखा कि जैसे ही 11:30 हो गए, मैं किचन में चली गई थी। मैंने अपनी सिस्टर के लिए उसकी फेवरेट मैक्रोनीस और ये हार्ट शेप क्रिस्पी फ्राइज और कोरियन फ्राइज़ मैंने उसके लिए बनाए थे, और साथ में मैंने शॉर्मा बाहर से ऑर्डर कर लिए थे, और उसको आजकल बॉबर रिंग बहुत ही पसंद है, तो मैंने इसके लिए वो ऑर्डर किया था, और साथ में मैंने थोड़े से चॉकलेट्स और कोक्स ऐड कर दिए थे। सो मेरी सिस्टर को ये सरप्राइज़ बहुत ही पसंद आया था, तो आई होप गाइस आपको भी बहुत पसंद आया होगा। और एट नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उसके लिए बहुत ही स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था। गाइस, जितनी भी रेसिपीज आप देख रहे हैं वीडियो में, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बनाना सिखाऊँ, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते रहना चाहिए, उनके दिन को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको जोड़ के रखती हैं, और यकीन करें जितनी भी मेहनत आप अपने प्यारों के लिए करते हैं, आपको इसमें मज़ा भी आता है। और इतनी मेहनत के बाद जब आप अपने प्यारों के फेस पर वो खुशी देखते हैं, वो एक्साइटमेंट देखते हैं, तो आपका दिन बन जाता है। और गाइस, जितनी भी रेसिपीज़ आपको इस टाइम पे नज़र आ रही है हमारी स्क्रीन पे, ये सब रेसिपीज़ बहुत ही क्विक टाइम में बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं। ये सब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। एंड गाइस, डू लेट मी नो कि आप में से जो भी लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, आप में से कितने लोग हैं जो अपने लव्ड वंस के लिए ऐसी छोटी छोटी सी एफर्ट्स करते रहते हैं। और वैसे भी गाइस, मुझे लगता है कि बर्थडेज़ के अलावा भी आपको अपने लव्ड वंस के लिए थोड़ी थोड़ी सी एफर्ट्स करते रहना चाहिए। तो ये था मेरी सिस्टर का बर्थडे केक। हर नेम इज़ महा, हम उसको प्यार से मरियम बुलाते हैं, और मैंने उसके लिए पूरा सरप्राइज़ प्लान किया था। उसके बर्थडे पे मैंने अच्छा सा खाना बनाया था, मैंने सोचा था उसके लिए केक भी मैं खुद बनाऊँगी, लेकिन बिकॉज टाइम का शॉर्टेज था, तो मैंने सोचा था उसका डे भी स्पेशल बनाना है, तो मैंने इसलिए केक बाहर से ऑर्डर कर लिया था। और ये जो आप एक फ्रूट का पूरा ट्री देख रहे हैं, इसको बनाने में मेरी अच्छी खासी एफर्ट लगी थी। ये जितना देखने में आपको सिंपल लग रहा है ना, इसने उतना ही मेरा टाइम कंज्यूम किया था। और जितने भी नट्स आप देख रहे हैं, ये मैंने केक के ऊपर खुद ही से डेकोर किए थे, और ये जो मेरा ट्री है उसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने कितने ज़्यादा फ्रूट्स ऐड किए थे। और गाइस, मैंने खाने में उसके लिए फ्रूट चाट बनाई थी, पुलाव बनाया था, बारबेक्यू स्टिक्स बनाई थी, इसके अलावा मैंने मलाई बोटी भी बनाई थी, और मैंने काफ़ी कुछ बनाया था, लेकिन मेरे ख्याल से मैं वीडियो के अंदर उसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये गाइस, ये है मेरी प्लेट, आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है। इन सब की रेसिपीज़ भी मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी बिकॉज मेरे पास टाइम कम था, तो फिर मैंने सोचा कि गाइस उसको मैं बाद में कभी फिर रिकॉर्ड कर लूँगी। तो फिर एट नाइट मैंने अपने सिस्टर के लिए रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। सो गाइस, ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं अपने प्यारों के लिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। सो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है, देन गाइस प्लीज़ गो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डू कमेंट्स कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। अल्लाह हाफिज़।